हेलो नमस्कार सभी को, मैं भूपिंदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हमने माननीय सीएम साहब का फोटो लगाया है थंबनेल पर। और क्यों लगाया है आप भी भली बात इस बात को जानते होंगे, तो कुछ हम बातें डिस्कस कर लेते हैं। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी कमेंट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपके हित के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि रोना आता है जब हम अपने ही भाई बहनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा एसएससी एग्ज़ाम्स की। तो आप सभी को पता है इन्होंने एक साथ फॉर्म भरवाए थे, क्लियर है, कलर का फॉर्म भरवाया था, ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी, ना जाने कौन कौन से इन्होंने फॉर्म भरवाए थे। एक पेपर लेकर इन्होंने ज्वाइनिंग दिलवा दी, रो पीट कर दिलवाई है, उसकी भी दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर दोबारा से ज्वाइनिंग, वो भी ना जाने पता नहीं कैसे हुई है। उसके बाद कोई भी पेपर आपका नहीं हुआ, तीन चार साल से सारी भर्तियां इन्होंने रद्द कर दी। फिर इन्होंने क्या कहा कि जितना भी पैसा आप लोगों ने फॉर्म फिल में लगाया है वो हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, बोल देंगे, क्या बात है, एक दो दिन बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, भूल जाएंगे, किसको याद रहेगा। ना तो कोई फीस वापिस आई, ना उन पैसों का कुछ हुआ, गए तो कहां, सरकार की जेब में। उसके बाद फिर इन्होंने एक बहाना बनाया सीईटी का, हम हर साल पेपर लेंगे सीईटी का, हर साल, जिसको बेहतर करना है अगले साल दो, तीन साल तक वैलिड रहेगा। अरे हर साल तो तब आप लोगे ना, पहले एक बार तो ले लो इसको। एक ही पेपर लेने के लिए आप दो से तीन साल लगा देंगे। अब जो सीईटी आपका चल रहा है, क्या ये एक साल में हो जाएगा जो आप नेक्स्ट अगले साल में लोगे। अब सीईटी का जो आपका पेपर हुआ है दो, इसकी बात कर लें, ग्रुप सी का पेपर हो गया, उसके बाद ग्रुप डी का अलग से पेपर होगा। ठीक है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ग्रुप सी का पेपर हो गया, उसकी आंसर की आएगी जब आएगी, इन्होंने बोला है, पता नहीं आ जाए शायद, ठीक है, जो इन्होंने बोला है आ जाएगी। उसके बाद ग्रुप सी का दूसरा पेपर लेंगे, वो भी देखना आप कब लेंगे ये। ठीक है, मैंने गलत थंबनेल नहीं लगाया है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि इलेक्शन तक, ठीक है, यूं ही खींचूंगा भर्तियां ना भाई, साफ सी बात है, जब इलेक्शन आएंगे तो सब कुछ ये एक महीने में करवा देंगे, इलेक्शन जाने के बाद ये दो साल लगा देंगे उसी काम को, जिसको ये इलेक्शन के टाइम एक हफ्ते में कर देंगे। ग्रुप डी का पेपर होगा, अभी इन्होंने फरवरी तारीख बताई है कि फरवरी में पेपर लेंगे, देखेंगे लेंगे क्या नहीं लेंगे। उसके बाद इस पे क्वालिफाई नेचर का मुद्दा चला हुआ है, यानी कि बच्चों को जो भी काम करना पड़ता है रोड पे आके करवाना पड़ता है, पेपर लेना है हाथ जोड़ के, अभियान चला के, सड़कों पे आके पेपर ले लो, रिजल्ट दे दो, ज्वाइनिंग दे दो, हर काम बिना रोड पे आइए नहीं करते, साफ सी बात ये है। अब क्वालिफाई का मुद्दा चल रहा है, अभियान पे अभियान, ठीक है, विज्ञापन पे विज्ञापन दिए जा रहे हैं, कभी कहीं पे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, कभी कहीं पे टीचर से और बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, पर इनके कान पे कोई जू नहीं रेंगने वाली है। ठीक है, जब इलेक्शन आएगा तब ये सबकी सुन लेंगे, चाहे एक बच्चा चले जाना, उठ के सबकी सुनेंगे आराम से बिठा के। क्वालिफाई का चल रहा है कि क्या कह रहे हैं कि हम क्वालिफाई तो कर देंगे इसको, लेकिन बच्चे हम वही गुना बुलाएंगे। अरे फायदा क्या हुआ यदि आप क्वालिफाई कर भी दोगे तो, इसको बुलाओगे तो आप वही गुना बच्चे। ठीक है, इस पे भी कोई अभी नहीं आया है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, अब रही बात हरियाणा पुलिस की, इसको भी रिलेट करूंगा मैं सीईटी से। सब कुछ हो गया इसका, 21% इस पे फॉर्मूला लगाया है जो कि गलत है, सरासर गलत है, इनको भी पता है गलत है, वही मेथड ये इस पे भी लगाएंगे। क्वालिफाई के लिए रोते रहो बच्चे, रोते रहेंगे महीनों निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद 21% से ही रिजल्ट आना है ग्रुप सी का भी। ठीक है, सीईटी के जो भर्तियां होनी है, जब इस पे केस चला हुआ है तो इस पे क्यों नहीं होगा भाई, 100% होगा, क्योंकि सेम, जब तक इसका कुछ नहीं होगा इसका भी कुछ नहीं होने वाला, मैं साफ बता रहा हूं, सच्चाई है ये हरियाणा के एग्जाम्स की। अब ये हरियाणा पुलिस वाले रो रहे हैं पंचकुला जाके, देख लेना, हाथ जोड़कर इनसे मांगना पड़ता है कि हमारी ज्वाइनिंग दे दो, ज्वाइनिंग दे दो, किसी ना किसी तरह पेपर देते हैं बच्चे, ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग इनको नहीं देनी। ठीक है, बच्चे पड़े रहेंगे सर्दी में, ठीक है, किसी भी हालत में रहेंगे, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, जब इन पे खुद पे आएगी ना तब पता लग जाएगा जब क्या होती है चीजें क्या नहीं होती है। कुल मिला के बात ये है भाई, जो भी काम करवाना होता है हमें हाथ जोड़ से इनके करवाना पड़ता है, वो भी ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का मकसद मेरा यही था, यदि आपको कोई भी काम करवाना है तो आपको यूनिटी में आना पड़ेगा, तभी ये कोई काम करना पड़ेगा, साफ सी बात है, डंडा देके करवाना पड़ेगा। ठीक है, हरियाणा में कहावत है कि जो भी काम करवाना है सिंपल से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, जब तक टीचर और बच्चे एक साथ नहीं आएंगे, ये मत बोलना कि हरियाणा पुलिस में हम क्यों साथ दें। ठीक है, हमारा क्या है, हमारा क्या हुआ है भाई, जब 21% के लिए रो रहे हैं ना, ये हमारा भी यही हाल होना है, जो बच्चे सीईटी की तैयारी
अप्लाई करें ना उनका भी यही हाल होने वाला है 80% का। अब नहीं तो बाद में, मैं पहले भी बोलता था कि क्वालिफाई के लिए, अब नहीं बोल रहे तो बाद में बोलोगे। अब जो बच्चे पहले नहीं बोल रहे थे अब वो बोल रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है, जिसका पेपर अच्छा हो गया वो नहीं बोलेगा, और वो बोलेगा भी नहीं क्योंकि अच्छा पेपर हुआ है भाई उसका, वो क्यों बोलेगा कि क्वालिफाई हो, मेरा तो अच्छा हुआ है मैं क्वालिफाई क्यों चाहूँगा। सब यहाँ पर अपने भले की सोचता है, क्लियर है। तो पूरी वीडियो को, ठीक है, लंबा नहीं खींचते हुए सिर्फ यही बात मेरे को आज बतानी थी वीडियो में कि रो रो के रोना आता है ऐसी स्थिति को देखकर, जब हर एक चीज़ हमें हाथ जोड़ के इनसे करवानी पड़ती है, धक्के खाकर करवानी पड़ती है, अभियान करवा कर करवानी पड़ती है, और तब भी उसका कोई हल नहीं निकलता है, क्लियर है। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी भाई बहन जो भी हैं टीचर्स के साथ मिलकर आगे आएं, इस अभियान को बिल्कुल सपोर्ट कीजिए ताकि इसका कुछ ना कुछ हो सके, नहीं तो ये इसी तरह करते रहेंगे हर साल जैसे ये करते आए हैं अपनी मनमानी पे मनमानी, क्लियर है। तो यही आप लोगों को समझाना था, जिसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आया तो आगे आ जाएगा, ठीक है, आने वाले दिनों में आएगा ज़रूर। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये बात आगे तक पहुँच जाए, जो हमारे यहाँ पर सरकार है हाथ जोड़कर विनती है कि बच्चों के साथ ऐसा ना करें, ठीक है। टाइम पे पेपर आप ले रहे हैं तो टाइम पे जो चीज़ें आप 6 महीने में कर सकते हैं उनको आप 3 या 4 साल तक ना अटकाएं। रिक्वेस्ट बस यही है, धन्यवाद।